हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता आपके साथ सूजी के इंस्टेंट दही बल्लों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, इसके लिए हमने सूजी ली है। हम 2 कटोरी सूजी लेंगे। सूजी मोटी पतली आप कोई सी भी ले सकते हो। इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ उसको स्किप भी कर सकते हो। और 1 कटोरी हम इसमें डाल देंगे पानी। अब बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक करके रख देंगे इसको 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद देखिए हमारा बैटर ये फूल गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिए बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, और वो भी थोड़ा सा डालना है। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी लगभग 1-2 चम्मच ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। बस इसको मिक्स करेंगे और फटाफट से अब हम बल्ले बनाएंगे। देखिए मैंने तेल गरम होने रख दिया था और अब हम हाथ से इसमें छोटे छोटे करके हम बल्ले डाल देंगे। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इस तरह से चम्मच से भी डाल सकते हो। 1 चम्मच में बैटर लीजिए और दूसरी चम्मच से गिराते जाइए तेल में। इस सारे बल्ले इक्वल साइज़ के बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेज़रमेंट का ध्यान रखेंगे तो आपके बल्ले भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने 2 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी दही और 1 कटोरी पानी लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। ये बल्ले बहुत जल्दी बन जाते हैं। दाल के जब हम बल्ले बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है बनाने में, और आपको पहले दाल भिगो, उसके बाद सुबह पीसो, उसके बाद बनाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये वाले बल्ले आप बहुत जल्दी बना लेंगे और टेस्ट में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस अब देखिए बल्ले हो गए हैं तैयार। और अब जिस टाइम आपको बल्ले बनाने हैं उस टाइम ही इस बल्लों को भिगोना होगा। बस 5 मिनट के लिए इसको भिगोना है, सारे बल्लों को एक साथ नहीं भिगो के रखना है। बल्ले बनाने से पहले दही को हम अच्छे से छान लेंगे। देखिए दही हमने छान ली है और चटनी हमारी रेडी है पहले से ही। इसकी रेसिपी मैंने शेयर करी है अपने चैनल पर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हरी चटनी की भी और इमली की चटनी की भी मैंने, अंगूर की चटनी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लीज़ देख लीजिए। चलिए अब बल्ले बनाते हैं। बस थोड़ा सा इसको बल्ले को प्रेस करेंगे और इसका पानी निकाल के हम एक एक करके सारे बल्ले रख देंगे। साथ साथ हम इसमें डाल देंगे दही, चटनी और हरी चटनी। फ्रेंड्स, मैंने हरी चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हुई है अपने चैनल पर, आप वहां जाके देख सकते हो। और अंगूर की चटनी बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बल्ले बन के हो गए हैं तैयार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।